में आज एक बड़ा हादसा हो गया। देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल अचानक नदी में समा गया और इसी दौरान पुल से कई वाहन गुजर रहे थे। पुल गिरते ही वाहन भी नदी में समा गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में किसी की जान नहीं गई है। ये भयावह मंजर है देहरादून शहर के नजदीक का। एक पुल टूटकर नदी में समा गया और इस पर चल रहे वाहन भी नदी में गिर गए और बाइक भी गई। पुल गिरने से वाहनों में फंसे लोगों ने भाग कर जान बचाई। जिस वक्त पुल गिरा, खुशकिस्मती से ये बाइक सवार धसे हुए हिस्से से थोड़ा पीछे था, जो नदी में गिरने से बच गया। देहरादून में ध्वस्त हुए इस पुल को रानी पोखरी के नाम से जाना जाता है। देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाले इस पुल के गिरने के बाद कई वाहन नदी में समा गए। हालांकि अब तक इस मामले में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जाखन नदी पर बना रानी पोखरी पुल कई दशक पुराना है। भारी बारिश के चलते शुक्रवार सुबह इसके बीच का हिस्सा अचानक ढह गया। रानी पोखरी पुल 1964 में बना था। यह ऋषिकेश को राजधानी देहरादून से जोड़ता है। पुल के टूट जाने के बाद से ऋषिकेश का संपर्क देहरादून और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से कट गया है। यहां सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और पुलिस ने एहतियातन रास्ते को रोक दिया है। लेकिन भानियावाला होते हुए एक नया रास्ता भी खोला गया है। बताया जा रहा है कि बीते 48 घंटे में उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भीषण लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून प्रशासन के मुताबिक ये पुल 1960 में बनाया गया था और उससे 5 साल पहले ही वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इसके पुल से वाहन लगातार गुजरते रहे, जबकि प्रशासन